हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आज की इस संध्या आगरा मसीह मंडली में आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं, खुदा बाप को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें, आपको और मुझको अपने अनुग्रह में रखा कि हम आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह में जयवंत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में आपको और मुझको एक ही नाम दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो आपके और मेरे जीवन का उद्धार करता है, जो आपको और मुझको अपने अधीन रखता है और आपको और मुझको सारे काम को वह परमेश्वर खुदावन सफल करता है। तो क्यों ना आइए हम उस प्रभु के चरणों में झुकें और प्रभु को नतमस्तक कर अपने जीवन में ऊँचा उठाएँ और उसकी महिमा में लवलीन हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के आपके करीब आते हैं। आपने जो हमसे मोहब्बत किया, आपने जो हमें अपने अनुग्रह के नीचे रखा, आपने अब तक हमें लिए फिरते रहा, हम उसके लिए आपको धन्य 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 कहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह को अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हुए इस समय को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि वही हमारा बिचवाई है और वही हमारा वो सेतु, पिता परमेश्वर, जिसके माध्यम से आज आपने हमें अपने करीब आने का अवसर दिया। हमारे गुनाहों को आपने माफ़ किया और हमें इस योग्य और काबिल बनाया कि हम आपके बेटे और बेटियां हो सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। हे यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम जो भी पल, जो भी समय, जो भी वक्त हम आपके चरणों में व्यतीत करते हैं, उसे आप कबूल करिए, उसे आप अपने पवित्र हाथों के नीचे आने का अवसर दीजिए, ताकि प्रभु जी हमारा आपके साथ बैठना आपको भावता हो, हमारा आपके साथ संगति करना आपको भावता हो सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर को ब्रदर अनुपम डेविड और उनकी पत्नी भाभी शबनम डेविड, जिन्होंने इस पेज को तैयार किया और बहुत से भाई बहन इस पेज में जुड़े हुए हैं और इस पेज का संचालन करते हैं। हे यीशु राजा, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को और अपने बच्चों को, अपने लोगों को प्रभु जी अपने पवित्र और छीदे हुए पंजर के नीचे रख, ताकि वो आपके अनुग्रह में अपने दिन को काटने पाए और उस अनंत जीवन के राज्य में सहभागी हो जो आपने अपने लोगों के लिए रखा है। हमारा विश्वास और भरोसा आप पे है। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस पेज में शामिल होते हैं, लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी रूप से देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको भी प्रभु जी, और जो नहीं करते हैं खुदा बाप, उनको भी आप अपने पवित्र हाथ के नीचे रख, ताकि वो आपको जानने वाले हो सके। हे यीशु, आपकी महिमा हो, आपके नाम को आदर गौरव सम्मान देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में आप सभी को पुनः जय मसीह की। आइए हम प्रभु की संगति में जाएंगे और कुछ कोरस को गा करके प्रभु की महिमा करके छोटे से वचन के द्वारा संगति कर उस जीते परमेश्वर को महिमा दे। आप सभी मानक भाई, मानक गौरव, विजय कुमार, दीदी अनुपम भैया, सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। आइए, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, कोरस को गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो
देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थनाओं गिनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थनाओं गिनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया। संतोष मन ही रहा। हालेलुया यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मन ही रहा। हालेलुया यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मन ही रहा। मन्ना फिराए हुए लो नरक में रोते रहेंगे। मन्ना फिराए हुए लो नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष मन रहा। हालेलुया यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मन ही रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष मन रहा। हालेलुया यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मन ही रहा। यश प्रभु यीशु मसीह का आनंद, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भलाई, प्रेम हमारे लिए उमड़ रहा है, हमारे लिए उमड़ रहा है। परंतु आज हम अपने हृदय को खोले, हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोले, ताकि प्रभु इसमें वास करे और अपनी आत्मा का दान, अपने अनुग्रह को हमारे पर उंडेल दे, ताकि हम आत्मा से भर कर हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति निरंतर करने वाले हो सके। परमेश्वर आपको और मुझको अपने वचन में, अपने संगति में, अपने साथ साथ चलने में आपके और मेरी अगुवाई निरंतर करती रहे। भाई प्रार्थना कर, अपने सिरों को झुकाए, खुदा बाप को धन्यवाद कहें। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं कि आपने हमें अवसर प्रदान किया अपने पुत्र के लहू के बहाए जाने के द्वारा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि हम जो खोए हुए थे, भटके हुए थे, हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं था, अर्थात अयोग्यता हमारे जीवन में भरी पड़ी थी, फिर भी आपने यही चाहा कि हम बचाए जाएं। सच में खुदा बाप आपका अनुग्रह हर एक वो विश्वास करने वालों पे निरंतर बने रहती है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद 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 देता हूँ, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है।
ओ परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े, उनके नाम ही नहीं प्रभु जी, उनका मन आपके वचन की ओर लगने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको सुअवसर प्रदान किया कि हम आपकी संगति में बने रहें। ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ आज प्रभु जी, हम पुनः उन छोटी छोटी बातों की ओर अपने मन को लगाते हैं। पिता परमेश्वर, इन छोटी छोटी बातों को आज लोग भूल चुके हैं और वो बड़ी बातों की दौड़ में लगे हुए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें अपने हाथ के नीचे रखना, हमें एक छोटे बच्चों के समान रखना, ताकि हम छोटी छोटी बातों को सीखें और पिता परमेश्वर, आपके आने वाले द्वितीय आगमन के लिए हम अपने देह प्राण आत्मा को आपके लिए तैयार कर सकें और प्रभु जी, आपकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे। वो पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए योजना बनाई है, हम उस योजना में शामिल हो सकें और आपके साथ राज्य करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम मनुष्यों के लिए अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट किया, आपने हम मनुष्यों को अपने दाहिने हाथ की संगति में रखा, ताकि हम आपको धन्यवाद 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 दे सकें। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हमारे पास धन्यवाद के सुंदर बोल के अलावा कुछ नहीं, लेकिन आप इन्हीं शब्दों को ग्रहण करते हैं और अपने पवित्र हाथ के नीचे रखते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर संगति और इस सुंदर अवसर के लिए कि जब हम उसके पवित्र वचन की ओर अपने मन को लगाते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझको आशीषित करे, परमेश्वर आपको और मुझको इस योग्य बनाए कि हम उसकी संगति में बने रहें और उसकी महिमा में अपने समय को गुजार सकें। प्रियो, हम बाइबल बतलाती है कि ठीक समय में ही प्रभु यीशु मसीह मारा गया, ठीक समय में ही प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, हमारे लिए दुख को उठाया। ठीक समय का अर्थात जब हम पापी ही थे, अर्थात हम इस योग्य नहीं थे, हम पाप में डूबे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ठीक समय में हमारे लिए मारा गया। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की योग्यता, किसी भी प्रकार की कोई काबिलियत, किसी भी प्रकार का गुण नहीं था कि परमेश्वर हमको देख सके, परमेश्वर हमारी ओर अपने आंखें लगा सके, परमेश्वर आपको और मुझको प्रेम कर सके, हम उस स्थिति में नहीं थे। आप और मैं इन बात को जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पे थे, कलवरी के क्रूस पे जब वो चढ़ा दिए गए और अचानक एक काली बादल छा गई और परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गई, तब आप और मैं ये विश्वास करते हैं कि खुदावन ने अपने आप को भी प्रभु यीशु मसीह से कुछ पल के लिए दूर कर दिया था, क्योंकि उसके जीवन में पाप भरा हुआ था। यस, परमेश्वर जहां पे देखता है पाप है, वहां पे खुदावन मनुष्य से वो दूर हो जाता है। पाप का होना मनुष्य के जीवन में एक अलग बात है और मनुष्य के जीवन में अयोग्यता होना एक अलग बात है। पाप जब हमारे जीवन में भरा पड़ा है और मैं उस दशा में उसमें डूबा रहना पसंद करता हूं, ये पाप है। अयोग्यता, मैं मेहनत तो कर रहा हूं परंतु सफल नहीं हो पा रहा हूं, पाप से निकलने के लिए ये अयोग्यता हो गई।
मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ऐसे बाइबल में बहुत से एग्जाम्पल रखे हैं, बहुत से ऐसे चित्रण पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जिससे आप और मैं सीख सकते हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने ऊर देश से निकाल करके कनान ले आया, पहले हरान पहुंचाया, फिर कनान पहुंचाया। क्या परमेश्वर अब्राहम को ही क्यों चुना? क्या उसके माता पिता को क्यों नहीं अवसर दिया कि तू अपने माता और पिता को लेकर, अपने भाई बंधु को लेकर, अपने परिवार को लेकर जो देश में तुझे दिखलाना चाहता हूं उसमें तू आ जा, क्यों नहीं बोला? मैं ऐसा विचार कर रहा था, ये मेरी थॉट है, जो प्रभु को ढूंढते हैं वो प्रभु को पाते हैं। वचन कहता है कि सब अपने ही खोज में रहते हैं, कोई यहोवा को नहीं खोजता। परंतु ऐसा महसूस हो रहा है कि इब्राहिम को किसी न किसी प्रकार से सच्चे परमेश्वर की आवश्यकता थी। वो निकलना चाहता था, वो उस गिरेबान से, उस परिवार से, उस घर से निकलना चाहता था, परंतु निकल नहीं पा रहा था। तब ऐसा महसूस होता है, ऐसा मैं विचार कर रहा था कि परमेश्वर की निगाह बेटे अब्राहम पर पड़ी और उसने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश और अपने मातृभूमि, अपने माता पिता को छोड़ उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखलाऊंगा। उसके जीवन में अयोग्यता थी, ऐसा महसूस होता, वो प्रयास तो कर रहा था, उसके मन में कुछ योजना थी कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानूं, क्योंकि बाइबल बताती कि वो परात महानंद के उस पार रहा करता था, वो मूर्ति पूजक के देश में रहता। ऐसा एक दंत कथा है, शायद मैंने एक आध बार बोला है ये नहीं, लेकिन है ऐसा एक दंत कथा है कि ये अब्राहम और उसका परिवार मूर्ति बना के बेचा करते थे और वो हमेशा जब अपने सिर में टोकरी में कुछ मूर्तियों को लेकर जा रहा था और उसे जाता है और उसे बेच के आ जाता है और जो उसे कुछ मुद्राएं मिल जाती थी उसे बेच करके वो अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता। एक दिन पुनः वो अपने कार्य के रूप में अपने टोकरी में कुछ मूर्तियों को लेकर मार्ग में जा रहा था और वह गिर पड़ा और सारी मूर्तियां टूट गई और वो बड़ा उदास हुआ, चिंतित हुआ, घबरा गया कि आज मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। उसके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ, क्या यही भगवान है? क्या यही जिंदा परमेश्वर है जो ठोकर लगने से टूट गए? और वो इस विचित्रण में फंसा था और उसके मन में इस बात घर बन गया और वो अपने सवालों को, प्रश्नों को वो ढूंढ रहा था। तब कहते हैं परमेश्वर की आवाज उसके कान में पड़ी और कहते तो वो अपने घर और अपने उस देश को छोड़, उस देश में निकल जा जो मैं तुझे दिखलाऊंगा और तुझे आशीषों का मूल बनाऊंगा। और तब परमेश्वर ने अपना सब कुछ छोड़कर अपने पत्नी और अपने भतीजे लूत को लेकर के कहां, परमेश्वर के आदेश के अनुसार निकल पड़ा और वह हरान भी पहुंच गया। हमारे जीवन में कहीं न कहीं ऐसी कुछ अयोग्यताएं हैं, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से बातें हैं जो आपको और मुझको भी क्या करती हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि हम स्वयं निकलना भी नहीं चाहते। और कहते हैं ना, जब तक व्यक्ति ठोकर नहीं खाता
जब तक कोई व्यक्ति गिरता नहीं उठने को नहीं जानता। अब्राहम यदि गिरा नहीं होता और उनके टोकरी की मूर्ति टूटी नहीं होती तो वो भी विचार विमर्श नहीं करता। और मुझको ऐसा मालूम चलता है कि परमेश्वर ने उसके विश्वास को, उसकी योजनाओं को जान लिया और उसे उस देश से, कसदियों के देश ओर से निकाल कर उसे आशीषों का मूल पिता बना दिया। मेरे प्रियो, पाप में डूबे रहना और अयोग्यता से लड़ना ये दो अलग चीज है। हमारे अंदर योग्यता है लेकिन हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में फेल हो जा रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन का मूल्यांकन करना है, अपने जीवन को सोचना है कि कहीं न कहीं हम किसी न किसी बात में चूक जाने के कारण हमारे अंदर अयोग्यता आ जा रही है। पुचिंदा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आपको और मुझको ढूंढ निकाला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आपको और मुझको एक अवसर दिया कि हम अपने आप को प्रभु के चरणों में ला सके। उसी प्रकार परमेश्वर इस पृथ्वी में पाए जाने वाले तमाम भाई बहनों से भी यही आशा रखता है कि सत्य को जानो और उसे ढूंढो। आप हमेशा हम कुछ छोटी छोटी एक दो बातों को आज देखने का प्रयास करेंगे कि जिसके अनुसार से परमेश्वर आपको और मुझको एक सुंदर अवसर देता है। पहली बात हम देखते हैं लुका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 19 से 21 पद में, वो बेटा, वो उड़ाऊ पुत्र बेटा, वो अपने आपे में आया तब वो कहने लगा कि मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, तू मुझे अपने यहां एक सेवक के रूप में रख। परमेश्वर मेरे प्रियो हर एक को मन फिराने का अवसर देता है, हर एक को मन फिराने का अवसर देता है। और जब तक हमारे जीवन में जान है, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा कोई बेटा खो जाए। और जब ये अपने आपे में आया तब कहता है कि मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि स्वर्ग के दृष्टि में और खुद पिता तेरी नजर में मैं क्या हूं, अपराधी। और यह पुत्र उस जीवन से निकलना चाहता है और वो दूर ही था, वचन बतलाता है कि वो दूर ही था कि उसके पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया, चूमा और उसके लिए सारे बंदोबस्त, सारी तैयारियां, सारी चीजों का पहुनाई और उसको अच्छे से अच्छा वस्त्र और सब कुछ उसको दिया। कब, जब यह पुत्र अपनी अयोग्यता को पहचाना, अपने अंदर की बुराइयों को पहचाना, वो पुनः मुड़ कर कहाँ आया, अपने पिता के पास आया, अपने पिता से बातें करने के लिए दौड़ आया। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको और मुझको निरंतर इस वचन के द्वारा सिखलाना चाहता है कि हम और आप भी अपने जीवन में उन अयोग्यताओं को निकाल के फेंक दें जो आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के बीच में आने वाली बाधाओं को, प्रभु यीशु मसीह के मेल मिलाप में आपके और मेरे बीच में आने वाली बाधाओं को हम निकाल के फेंक दें
वो अयोग्यताओं को निकाल दें ताकि आप और मैं योग्य बन सके और उस प्रभु यीशु मसीह के संग और संग चलने वाले बेटे बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको इसलिए नहीं चुना कि हम पुनः दोबारा पाप में डूब जाएं, हम पुनः दोबारा पाप की संगति करने लगे। इसलिए प्रियो, आप और मैं अपने आप को तैयार करें, अपने अंदर की अयोग्यताओं को निकाल फेंके और प्रभु के योग्य बनने वाले हो सकें। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय उसका 38 पद में अपने चेलों से कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब भी वचन से बातें करते हैं तो अपने चेलों और अपने उन लोगों से जो वचन को सुनते उनको वो कहते कि जो अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। आपको और मुझको अपना अपना क्रूस उठाना है। जब तक हम अपने क्रूस को उठाएंगे नहीं, जब तक हम अपने क्रूस को उठा के चलेंगे नहीं, तो कैसे हम अपने इस नाव को पार लगाए पाएंगे? कैसे? आपको और मुझको अपना क्रूस उठाना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस स्वयं उठाया, पहल किया। ये नहीं बोला कि मैं नहीं उठा सकता। एक बार की बात है, एक कहानी है, दंत कथा है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जैसे आप मैं बहुत से लोग हैं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले बहुत से लोग अपना अपना क्रूस उठा करके प्रभु के पीछे हो लिए। और मार्ग में चलते चलते एक लड़का प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, मैं अपना क्रूस नहीं उठा पा रहा हूं, कृपया कर मेरी मदद करें, इस क्रूस को थोड़ा नीचे से काट दे ताकि ये हल्का हो जाए और मैं अपने क्रूस को उठा के तेरे पास पहुंच सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इच्छाओं को पूरी किया और पुनः अपने क्रूस को उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठा के अपना अपना क्रूस चल रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद वो लड़का फिर प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे यीशु, मैं इस योग्य नहीं कि इस क्रूस को उठा सकूं, थोड़ी सी इस क्रूस को काट दीजिए ताकि मैं इस योग्य हो सकूं और ये मेरे लिए हल्का हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तू चाहता है वैसा हो, और उसे थोड़ा सा फिर नीचे से काट दिया। फिर वह लड़का अपना क्रूस को उठाया और आनंद के साथ चलने लगा। फिर वह तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, ये और वजन सा लग रहा है, कृपा कर थोड़ा सा और काट दीजिए ताकि मैं इस क्रूस को उठा करके चल सकूं और इस योग्य हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने तब भी मना नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस पृथ्वी पर इसलिए लाए कि सबकी मदद करें। और वो लड़के ने उस लड़के का क्रूस नीचे से फिर थोड़ा कर दिया। और कुछ दूर जाने के बाद जब सब कोई अपना अपना क्रूस उठा करके जा रहे थे तो मार्ग में एक बड़ी खाई मिली और खाई के उस पार प्रभु यीशु मसीह थे। बीच में गड्ढा था, इस पार पहाड़ था और उस पार पहाड़ था, बीच में खाई थी। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन के चल रहे थे वो सब अपने अपने कांधे से उस क्रूस को उठाकर उस खाई के बीच में रख कर उस पर चलने लगे और जो उस खाई को पार करते और अपना क्रूस उठा के चल गए। जब इस लड़के का बारी आया
तो इस लड़के ने अपने क्रूस को जो है उस खाई के बीच में डाला, तो क्रूस क्या हुआ, खाई में गिर गया। तब वो लड़का प्रभु यीशु मसीह की ओर देख के कहता, हे प्रभु मेरे साथ क्या अन्याय हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तूने चाहा मैं वैसा तेरे लिए करता आया। हम अपने अयोग्यताओं को छिपाते हैं, हम अपने अंदर पाए जाने वाले योग्यताओं को छिपाते हैं और वो हमारे लिए हानि होती है। मेरे प्रिय, इसी जीवन में तो अपना क्रूस उठाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना क्रूस अपने उस पृथ्वी में बिता हुए 33.5 साल में अपने क्रूस को उठाया। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर ने आपको जो क्रूस दिया है वो आपका अपना है, आपको अपना क्रूस उठाना है। उस लड़के के समान बार बार प्रभु को तंग नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने सारे विद्रोह का लेप को उस कलवरी के क्रूस पे क्या किया, किले से जड़कर हमें स्वतंत्र कर दिया है। अब हमारा वो जो भार है वो हल्का हो गया है, अब क्रूस को काटने की जरूरत नहीं है। हमको उस क्रूस को उठा के चल पड़ना है, जैसा बाइबल कह रही है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 38 पद में कहता है, जो अपना क्रूस ना उठाए वह मेरे योग्य नहीं। मेरे प्रियो, क्या आज हम अपने क्रूस को कहाँ रख दिए हैं, कहाँ छोड़ दिए हैं? आपको और मुझको अपने क्रूस को उठाना है और प्रभु के संगति में हो लेना है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर की योग्यताओं को बाहर लाकर प्रभु के चरणों में डाल दें और योग्य बने, ताकि वो जो प्रभु आपके और मेरे लिए अपने जीवन को न्योछावर किया, आप और मैं प्रभु की संगति में पाए जाने वाले हो सकते। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ किस छोटे से सुंदर से पवित्र वचन के द्वारा जैसे मुझको आशीष मिली। मैं यही विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु आपके हृदय में भी काम करे, प्रभु आपसे बातें करे, प्रभु आपके संग और संग हो चले, क्योंकि प्रभु ने आपको अपना क्रूस उठाने के लिए कहा। क्या कहा वचन ने, जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरा चेला। हर एक को अपना क्रूस उठाना है, ताकि उस प्रभु यीशु मसीह के मर्म को पहचान सके, प्रभु यीशु मसीह के संग संग चल सके, न कि उस लड़के के समान जो थोड़े थोड़े उस क्रूस को काटते चले, जैसे कि आप और मैं निरंतर पाप करते हैं और बार बार प्रभु को दुख देते हैं। मेरे प्रभु, प्रभु ने हमारे लिए गुनाहों को एक बार क्षमा कर चुका है, अब हमें बार बार लौटने की आवश्यकता नहीं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरी विनती को सुनते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मुझको ये जो पेज मिला है, प्रभु के वचन की संगति तो करता भी करता हूँ, बोल वचन को बांटता हूँ, लेकिन मैं उसे भी अपने जीवन में लागू करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप और मैं प्रभु के वचन से आशीषमय होते हैं, प्रभु के वचन में बढ़ते हैं, प्रभु की संगति सदा सदा आपके जीवन में बने रहे, ताकि हम उस अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बाद निरंतर चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह में। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने एक अवसर प्रदान किया कि हम अपने आप को आपके चरणों में ला सकें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि आपने हमें सुंदर अवसर देके नवाजा कि हम आपके आशीषों को प्राप्त कर सकें। हे खुदावन, आपने हमें एक अवसर दिया है,
कि हम आपकी संगति करें। धन्यवाद देता हूँ जितने भाई बहन इस समय इस पेज में शरीक हुए, उन सबको खुदा आप अपने पवित्र हाथों में संभाल कर रखें। सबका उठना बैठना आपको भावता और बलिदान होने वाला हो सके। धन्यवाद देता हूँ आपका अनुग्रह हमारे संग और साथ। आदर गौरव महिमा आपको देते हुए विनती ईश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह की।